सबसे पहले चिबाए जुजू अत्रुत्रु सदा साधु 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 कथा बाबू साधु साधु ईशा मैम साधु साधु सारंग साधु साधु सबको अत्रुत्रु यहाँ में अपना जितेन है गौरव है राजीव है बहुत लोग सीनियर लोग है हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है वाई टी एफ का प्रेसिडेंट है विभिन्न फेडरेशन है पेशाब कल में आके मुझे एक शांति मिलता है क्योंकि अगर गौतम होकर कहीं में भी त्रिपुरा में है ना तो वो सबसे पहले पेशाब कल में इसका एहसास होता है और आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं सुनाई के लिए बैठो 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 अभी बैठे तो पेशाब कल में मैं आपको एक बात बोलने आया हूं सबसे पहले एक बात हरि तथा बाबू सबों से मैं बोल रहा हूं संतना चाकवा यहां का एमएलए है नहीं आज से 3 महीने पहले मैं उनसे मिला था गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उसकी मां से भी मिला था मुझे अच्छा लगा पुण्यता चाकवा को भी मैं बहुत पहले से जानता हूं वो भी अच्छा है मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं उसके फादर भी एमएलए थे और हरि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं ये इलेक्शन ना एचआर प्लस में कम्युनिटी का अगेंस्ट नहीं होना सबको एक होकर एचआर को डेवलप करना है आप सबका फ्यूचर जो है भविष्य जो है उसको ठीक करना है और वो तभी ठीक हो सकता है अगर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा बात करें और अपने एजेंडा के यहां में जितना भी मंत्री बन जाए जितना भी एमएलए आ जाए जब तक हम लोग असली डेवलपमेंट के बारे में यहां पे बात नहीं करेंगे कुछ नहीं बहुत लोग बोलता है कि चकमा रियांग त्रिपुरा बहुत गौरव कोई बोलता है कोई बोलता है चकमा का ये है कोई ये बोलता है मैं यहां पे बहुत रियांग भी है मैं आपको थोड़ा चकमा के बारे में बात करूं मैं आपके राजा से मिला था शिलोंग में राजा देवाशीष मेरे हिंदुस्तान में बहुत राजा से मिला राजस्थान में जयपुर में है राजस्थान में तो बहुत महाराजा है जैसलमेर उदयपुर जयपुर मध्य प्रदेश में ग्वालियर बहुत लेकिन जब मैं आपके राजा देवाशीष रॉय से मिला तो मुझे लगा कि ये इंसान इंटेलिजेंट है विद्वान है और दिल से अपना लोगों को प्यार करता है और उन्होंने मुझे एक बात बोला मुबाग्रा अभी वो मुबाग्रा बोला हमें को हिज हाइनेस बोलता हूँ कि हमको हिज हाइनेस उसने कहा मुबाग्रा आप भी अपने तिब्रासा को बहुत प्यार करते हैं मैंने उनको कहा मैं तिब्रासा को बहुत प्यार करता हूँ और चाकमा भी मेरा तिब्रासा है
मैं बीमार था तो, और मैं अभी भी बीमार हूं लेकिन मैं काफी खराब से बीमार था, तो टेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दुखी रहता है, बीमार होने से दवाई खाना पड़ता है, मेथी खाना पड़ता है। उस समय मैंने विपासना सीखा और तब मुझे मालूम पड़ा कि दिल के अंदर से जो क्रोध है ना उसको निकाल के फेंक दो, जो भी करना है प्यार से करो, सच्चा दिल से करो और अपने लोगों के लिए करो। अब मैं जब बोलता हूं ना आई लव यू, मैं बोलता हूं ना आई लव यू, डू यू लव मी? यस यस। आपको बहुत प्यार है। जब मैं बोलता हूं आई लव यू, इससे अंदर में जो गलत चीज है, जो नेगेटिविटी है, जो क्रोध है, जो नफरत है ना, उसको छोड़ के मैं पूरा दिल से आपको बोल सकता हूँ कि हमें हमारा मां जैसा लोग है, हमारा यूथ है, हमारा बुद्धि लोग है, बुजुर्ग लोग है, यहाँ पे हमारा भूमा है, रोए है, आप सबको भाई जैसा, बेटा जैसा, दोस्त जैसा और पिपरासा जैसा देखकर बहुत प्यार। इलेक्शन तो आते जाते रहेगा, इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन पेछा कल में आपका राजा, आपका महाराजा, आपका दुर्भाग्य सच में डेवलपमेंट चाहता है, शिक्षा चाहता है, हॉस्पिटल, ये जो झंडा लेके सब लोग के घर से उधर, ठीक है पॉलिटिक्स का इलेक्शन का टाइम है, करना पड़ता है, लेकिन जिस दिन एक सीपीएम का आदमी मथा से बात कर सकता है, जिस दिन एक बीजेपी का आदमी कांग्रेस से गला मिला सकता है, जिस दिन एक रियांग चाकमा त्रिपुरा सब लोग नाक कहता है एक दूसरे को गला मिला सकता है, उस दिन हमारा त्रिपुरा और पेछाकल आगे बढ़ेगा। सबको लगा मुबागरा आके आज भाषण देगा, बड़ा बड़ा भाषण देगा, मिथुन का नकल करेगा, ये करेगा। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज यहां में स्पीच देने नहीं आया, स्पीच तो सब नेता देते हैं, ये जगते एक और तो होवे चक्रांत करते होवे अमर पार्टी ये जगते होवे ना चलवे ना, ये सब बोलते हैं, ये नाटक है। हम लोग का कॉर्पोरेट में या कानून में इसको बोलता है ठकाए, हमारा चकमा में क्या बोलता है, धोखा देने का। व्हाट यू से व्हेन यू गिव धोखा, भागी देना, সব পলিটিশিয়ান ভাগে দেবে, আমি পাওয়ারে আসলে এই হবে, আমি পাওয়ারে আসলে কালকা রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে, স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, মিস কল করলে চাকরি পাওয়া যাবে, বাটা কত আছে, আচ্ছা বাটা এমন অত আর বেশি হয়ে যাবে, রেগা কত, আচ্ছা 340 টাকা হয়ে যাবে, ইলেকশন শেষ, নেতা আবার প্লেনে দিবি চলে যাবে, আবার ইলেকশন হবে, আবার ইলেকশন হবে, 2018 তো বলেছিল মিস কল বাবা রেগা, আবার ইলেকশন হচ্ছে 2023-এ, এই লিডার যে 5-7 কেউ দেখিনি, দূরবীন রাখলে দেখতে পারে না, উনি আবার ত্রিপুরা আগরতলাতে আয়, আবার প্রেস কনফারেন্স করে, না 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 এইবার উন্নতি হবে, আবার ভোট করেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছে। 2018 তো বলেছিল আমাদের বিপ্লব দেব ত্রিপুরাতে পরিবর্তন হবে, আজকাল 2023-এ এই পার্টি বলে আমাদের মানিক বাবু
परिवर्तन की हुए छे, चेंज की हुए छे, आज का विप्र बाबू नहीं मानी शाह हाजी हाजी हागी 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 वाले आपको यहां में हंसा चाहिए, एकता चाहिए, अपना एकता जोड़ता रहे। प्रथमे चाकमा चाकमा दिए फाइट करो ना भाई, रियांग चाकमा मुसलमान हिंदू बांगाली एक सौ फाइट कर ले कुछ लाभ हो गया। फाइट करनी चाहे तो एक दूसरे के फाइट करो ना, फाइट करो अपना अधिकार नहीं है, अधिकार मात्र एक नेता ने बिल कर ले भाई ना, अधिकार पूरे जनता ने करते हो जीतो। जो मेरा फाइट ग्रेटर टीचर रैंक का फाइट है ना, वो मेरे लिए नहीं है, वरना आपका राजा कब से मंत्री बन जाता, एमपी बन जाता, दिल्ली गया, अलायंस भी करके आया। लेकिन मैंने बोला कि हमारा त्रिपुरा का लोग गरीब है, हमारा मां लोग भूखा है, हमारा भाई लोग के पास नौकरी नहीं है, ये बच्चा लोग बीमार है, डायरिया से मर रहा है, मलेरिया से मर रहा है, बिजली नहीं आता, बारिश आने से पांच पांच दिन तक बारिश नहीं आता। हम लोगों का रियांग एरिया में 20-25 किलोमीटर चल के जाना पड़ता तब उनका घर दिखाई पड़ता। चकमा एरिया में डेवलपमेंट के नाम में पैसा आ रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का खा रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर। तो हमको दिल्ली में मैंने ये बोला, आप हमको एमपी मत बनाओ, मंत्री मत बनाओ, एमएलए मत बनाओ, आप हमारा जो 14 लाख इंप्रेसा है उसको अधिकार दे। बोला देगा, मैंने कहा राइटिंग में दे, तो बोला राइटिंग में दे। फिर से इसको क्या बोलता है, क्या बोलता, जोर से बोलो, पानी देना। आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोले दो, क्या बोलता है, कि नेता लोग ऐसे ही करते रहे। नेता का अगरतला में घर बन गया, जिसका पास साइकिल था आज उसके पास इनोवा आ गया, जिसके पास घर नहीं था आज अगरतला में 3 बिल्डिंग बन गया, और हमारा जो पचहत्तर में गरीब लोग है वो जैसा था वैसे। सोचो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी असली मुद्दा में बात नहीं करता। हमको अपना लोगों को अधिकार देना है, और ये फाइट मुबागरा का फाइट नहीं, ये फाइट आप सब पूरा दिन यहां में सब नेता लोग आएगा दिल्ली से, नहीं नहीं आपका नाम क्या है, क्या क्या नाम, क्या चाकमा, सीमा चाकमा, सीमा आप इतना यंग है, कभी भी आप इतना जानता है, ये लोग के ऊपर विश्वास मत करो, ये लोग ना आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमा मैं चाहता हूं कि आपके पास वो अधिकार हो जो वो लड़का या लड़की के पास अगर अगरतला में रहना है, लेकिन नहीं सीमा अगरतला में सब आराम से है, यहां में आपको गरीब रखा जा रहा है, आपको डिनाई किया जा रहा है, इसके लिए सिस्टम को चेंज करना होगा।
सिस्टम को चेंज करना होगा, और सिस्टम तभी चेंज होता है जब नेता अपने बारे में ही सोचता है, सबके बारे सोचता है। नेता राजा, वो राजा कैसा जो अपने जमीन के बारे ना सोचे, वो राजा कैसा जो अपने लोगों का अधिकार के बारे ना सोचे, वो देश कैसा जो अपने जनता के बारे ना सोचे। इस बार मैंने माइंड मेकअप किया, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन सीमा आप जैसे लोगों के लिए वन लास्ट फाइट तो करके जाऊंगा मैं। मैं दिल्ली गया, बहुत प्रेशर आया मेरे ऊपर, कॉम्प्रोमाइज कर लो, अंडरस्टैंडिंग कर दो, लेकिन मैंने क्यों अलायंस नहीं किया आप जानते, क्योंकि मैं अगर वहां में अलायंस कर देता ना तो मैं यहां में पेशा कल में आके आपको आंख से मिलाकर नहीं दिख सकता, शर्म होता है, इज्जत होता है। ये पैसा, ये राजवाड़ी, जिस दिन आपका राजा मरेगा ना, ये सब ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ एक चीज से हमको याद किया जाएगा कि मैंने जब मैं जिंदा था तो मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, आपके लिए फाइट किया, आपको अधिकार दिया। तो मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, यार बहुत अच्छा लगा, यहां में बहुत लोगों को टिकट चाहिए था, हमारा प्रताप बाबू उनका भी नाम था, साधन भी था, अपना खीसा मैम का है, आप भी था, राजीव भी था, बहुत था, जितेन था, मैं आपको बताओ वही में रहो, हनी आया, हनी मेरा बेटा जैसा, अगर महाराजा का एक चकमा लड़का है ना तो वो हनी वो चकमा है, और हनी किसी ने कहा आप बाहर का है, आप एचआरपीएल का नहीं, आप तो मात्र यही का है, वही लोग बोलेगा एक दिन चाकमा त्रिपुरा का नहीं है, बांग्लादेश का है, ये लोग बोलता है सुनता है, ये सस्ता राजनीति है, आप हानि भूसा है, आप भूमि पुत्र है, ये आपका आप लोग सब। और जिस दिन मैं आया ना पावर में, सबसे पहले ये प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सब लोगों को बोलता हूं, कोई चकमा नहीं, कोई हलम नहीं, कोई जमतिया नहीं, कोई रियांग नहीं, कोई देववर्मा नहीं, कोई त्रिपुरा नहीं, सब नाक चपटा है। जो डुंगुर में हुआ, हमारा जमतिया और रियांग को निकाल दिया डुंगुर से, वही चीज आपके सामने कांपता है। जो आज हागरचरी में बांदरबन में होता है, वही आपके सामने चिटागोंग में होता है। हम लोग एक है, एक था, कहीं ना कहीं खराब लीडर के लिए, कहीं ना कहीं ईगो के लिए, कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए ये जो डिवाइड आया है हमारा चाकमा और दूसरा लोगों में, इसको मैं खत्म करना चाहता हूं और मैं खत्म करूंगा। हमारे रियांग लोग आज कंचनपुर से मैं आया हूं, बहुत डांटा अपना रियांग लोगों आज कंचनपुर, बोला कि रियांग का सबसे, हमारा ब्लू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानता है, हम लोग का ब्लू, हम लोग का लोग बहुत अच्छा है ब्लू में, प्रॉब्लम है नेता में, नेता प्रॉब्लम है, हमारा ब्लू लोग तो बहुत सीधा है, ईमानदार है, गरीब है, दिल का अच्छा है, प्रॉब्लम आपका नेता में। सब नेता को मैं बोलना चाहता हूं यहां में, अगर आपको हंसा चाहिए, अगर आपको एकता चाहिए, अगर आपको इस बार रामचुनिक पार्टी को देखना है, तो ये नेतागिरी ग्रुपिज्म को बंद करो, आपको ना पब्लिक बनाया है, आपको ना दुबागरा बनाया है। अगर आप लोग ने इस इलेक्शन में ग्रुपिज्म किया ना, तो इलेक्शन के बाद
पब्लिक और विभाग दोनों आपको झंडा मारेगा। अगर पब्लिक को कुछ मिला तो आपको इज्जत मिलेगा। बहुत लोग बोलता है पावर से इज्जत मिलता है, नहीं, आज मंत्री के पास पावर है, मुबागरा के पास पावर नहीं है, लेकिन मुबागरा के पास प्यार और इज्जत है, इसके लिए आज मुबागरा पावरफुल है। और यहां मैं दूसरा पार्टी का लोग है सल्ताना के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उसके मां से मिला था, बहुत अच्छा लगा। मैं पुण्यता का खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, सीपीएम का कौन कैंडिडेट है मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये दिल्ली का लीडर को विश्वास करना बंद करो। ये दिल्ली का नेता लोग ने त्रिपुरा में 75 साल का राज किया, दिल्ली से आता है, बड़ा बड़ा भाषण देता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, भाइयों बहनों ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। इस बार अपने ऊपर विश्वास करो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस बार मैं आप सबको पेशा दल से एक बात बोलना चाहता हूं, पीपरा मोथा 42 सीट पे फाइट कर रहा है, इस बार पीपरा मोथा पूरा त्रिपुरा में नंबर 1 पार्टी बनेगा। और जो लोग बोलता है कि पैसा बहुत है उनके पास, हमारे काफी तो अनेक पैसा अच्छे पीपरा मोथा का काफी तो किच्छू ने अपना प्यार अच्छे अपना समर्थन अच्छे আপনার আশীর্বাদ আছে, আপনার কাছে টাকা আছে না দিয়া দাও আমি রেখে দেব, সব লে ডোনেট করো আমি করো, পেসা রাখো, বাপ কা পেসা নেই, কন্ট্রাক্টর কা পেসা হ্যা, ড্রাগ ডিলার কা পেসা হ্যা, আদানি অম্বানি কা পেসা হ্যা, উনকা বাপ কা পেসা নেই, জব পেসা দেনে আয়েগা না দে লো রাখো। लेकिन 16 तारीख को वोट अनारस को करना, ये अनारस ना दिल्ली का है ना कलकत्ता का है ना चाइना का है, ये लोकल अनारस है, ये लोकल अनारस है। बाहर से पावरफुल, अंदर से मीठा। आप लोग वोट करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा पहले जब बीजेपी रुपया देगा लेगा कि नहीं लेगा? देगा। जब बीजेपी रुपया देगा लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि उनका बाप का रुपया नहीं है, ये आपका रुपया है। 5 साल तक कॉन्ट्रैक्टर ने रुपया खाया, नेता को मोटा किया, आज वही रुपया आपको दे रहा, ले लो। लेकिन जैसा ये ट्रेन है ना, ये दिल्ली जा रहा है, सब बीजेपी का नेता को दिल्ली भेजेगा हम लोग। अब जाने के टाइम अनारस भी दे देंगे, यहां में झगड़ा नहीं होगा, नो फाइटिंग, यहां में सब लोग 2 हफ्ता के लिए कोई चकमा नहीं होगा। यहां में आप मुसलमान कितने हैं भाई? सलाम अलैकुम, 200 है ना? ये बीजेपी लोग आपके दाढ़ी से डरते हैं, लेकिन जब विराट कोहली का दाढ़ी होता है ना तो बोलते भारत माता की जय। आप हिंदुस्तान का एक सिटीजन है, सदस्य है, कोई आपको नहीं बोल सकता है कि आप बाहर के, ये जमीन भी आपका है, ये अधिकार है आपका।
ये परिवार जो मेरा राज परिवार है कम्युनल नहीं है। हमने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बनाया, चर्च के लिए हमने जमीन दिया अगरतला में, हमने शुजा के लिए मस्जिद बनाया, गिरु मिया के लिए मस्जिद बनाया और बुद्ध मंदिर जो बुद्ध मंदिर है अगरतला में वो भी मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम ने बनाया। हम लोग धर्म का राजनीति नहीं। और एक नेता है शंभू चाकमा, बहुत प्यार करता है अपने लोगों से, बहुत अच्छा है। मैं शंभू से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मुसलमान का दाढ़ी दिखता है, मदरसा दिखता है, लेकिन अरुणाचल में हमारा इतना चाकमा लोग है जो 60 साल से कोई अधिकार नहीं है, जो मिजोरम में बहुत खराब कंडीशन में है। मैंने तो भ्रू को त्रिपुरा में डाल दिया, इतना खराब कंडीशन में है, लेकिन वहां में बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, तो शंभू चाकमा के गले से आवाज नहीं निकलता। ये लीडर क्या है? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, आप बोलो क्या है इसका मतलब, जोर से बोलो। भागीबाज, आपका इमोशन के संग खेल रहा है लेकिन असली में अपना चाकमा के लिए बात नहीं कर रहा है, मुसलमान के बारे बात कर रहा है, चाकमा के बारे बात नहीं कर रहा है। चाकमा प्रॉब्लम में है, उसके बारे बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा नेता लोगों को छोड़ो, भाईचारा को लाओ। मेरा बॉलीवुड बॉलीवुड गायब हो जाता है हमेशा, ऐसा गायब होगा तो कैसे काम चलेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, गायब हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। बॉलीवुड मिथुन जैसा हो गया, आज मेरा भाषण कैसा लगा? दूसरा नेता जैसा नहीं है ना, दिल से बात करता हूं। बोले आपका नाम क्या है? हॉलीवुड चकमा नहीं, हॉलीवुड अनारस। ये मेरा चकमा बेटा है, इसका माँ बाप सब लोग, इनका माँ तो पेचादल से है, मैं इसके बाद घर जा रहा हूँ उसके साथ खाना खाने के लिए। लेकिन मैं आप सबको बोलता हूँ, अच्छा लड़का, झूठ नहीं बोलता, हमेशा इसके संग बहुत नाइंसाफी भी हुआ, कांग्रेस में नाइंसाफी हुआ, विक्रम मोथा में भी कभी कभी गलत नहीं हुआ इसके साथ, और ऐसा माथा गर्म है सिंगम जैसा। लेकिन अपना हली मैं आपसे विनती करता हूँ, राजा कभी कुछ नहीं मांगता, राजा कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन मैं आज आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध तो कर सकता हूँ कि मेरा बॉलीवुड को एक बार जिताओ। हरी आपका एमएलए है लेकिन असल में पहचान कल को मैं खुद देखना चाहता हूँ, पहचान कल को मैं एक ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूं जहां में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो, जहां में विपासना का सेंटर हो, जहां में रियांग बंगाली चाकमा सब एक संग मिलकर आराम से शांति का जिंदगी बिताए और एक प्यार से डेवलपमेंट हो, उन्नति हो, नौकरी हो। ये हाँ बोलो, बने बोलो बताओ क्या बात है। लव मी, आई लव यू टू। मैंने बहुत भाषण दिया है पॉलिटिकल, आज मुझे लगा कि दिल से कुछ बात बोल दो, अगर कुछ गलत बोला तो मैं माफी मांगता हूं, आपको इतना देर वेट कराया मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं दिल से बात किया आपने
और यहाँ नहीं मुझे थोड़ा शांति भी मिला। गलाई गलाई नो हम भाई खुलम खा जो जो एंड आई लव यू। सब लोग एक बार उठ के एक बोलना है चीनी हाँ चीनी भाषा आप लोग बोलेगा जो पॉपुलर नहीं समझता है चीनी हाथ मतलब हमारा जमीन चीनी शासन मतलब हमारा शासन समझ में आया चीनी हाथ चीनी शासन ठीक है चीनी मतलब हमारा हा मतलब भूमि चीनी शासन मतलब हमारा शासन ठीक है सब नाम चेता में शासन चीनी मतलब शुगर नहीं है सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ वाह राजीव तू सिर्फ ऐसा किया सब लोग और जोर से चीनी हाँ चीनी बेलाई बेलाई नो हम भाई खुलुम खा जुजू धन्यवाद तिपरा मोथा आई ग्लोकथंग तिपरा सा दोफा आई ग्लोकथंग त्रिपुरा आई ग्लोकथंग थैंक यू हम भाई बता